मेरा नाम आशीष कुमारिया और इस समय मैं हूँ सहारनपुर रुड़की हाईवे के ऊपर। देख सकते हैं इस हाईवे के ऊपर हमने बहुत टाइम पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन टाइम से हमें हेल्प नहीं मिल पाती। इसका कारण क्या होता है? कई बार इस एरिया में आप देख रहे हैं खेत है, कई बार हमारा मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर पाते अगर हमें कोई इमरजेंसी हेल्प की जरूरत हो रोड पर एक्सीडेंट के टाइम भी। तो गाइस एक आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज है, एज पर द NHA गाइडलाइन हर एक 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक SOS बीट बॉक्स लगा होता है। SOS का मतलब है सेव अवर सोल, मतलब हमारी जान बचाओ। वो कोई इमरजेंसी एक बीट बॉक्स है, वो है ये। मैं कहूंगा एक बार इस बार बीट बॉक्स की तरफ दिखा दे, इसको कहते हैं SOS बीट बॉक्स, ठीक है। इसके ऑपरेशन के बारे में हम जानते हैं। इसके अंदर इस तरीके की चीजें लगी हुई है। पहला लिखा हुआ है उपभोक्ता के लिए निर्देश, कॉल बटन दबाए, प्रतीक्षा करें, प्रचालक से बात करें। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो वहां से एक बंदा ऑपरेटर आएगा, उस ऑपरेटर को आप बता सकते हैं कि सर मैं इस रोड पे हूँ और मेरे साथ इस तरीके का हादसा हो गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बट कई बार क्या होता है जब आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से कई बार वो आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते आप। तो जब आप इससे बात करेंगे तो ये सोलर पैनल से लैस है और दूसरा इसके अंदर भी एक अपने आप में GPS लगा हुआ है, तो आप सिर्फ पता लग जाएगा कि कॉल कहाँ से आ रही है, समझ रहे। तो प्लीज SOS बीट बॉक्स की अवेयरनेस सारे लोगों को दें और ताकि ज्यादा से ज्यादा जान बच सके। थैंक यू वेरी मच।